और ये मेरा स्कूल है जैसा वो मिठाई आ जा उठ जा। तो गाइस मेरे भाई की साइकिल है वो यार लकड़ी की है जो उसे वाले बोलते हैं टाइल। उसके बाद ये हम पापा सरपंच बने थे ये ऑफिस बन गया था। यहाँ पे करियाने की दुकान थी मतलब खाने पीने का राशन ये वो ऊपर। ये रूम भी में क्या होता था स्टार्टिंग में यहाँ पे मेरी बहन और मेरे दो भाई हैं हम तीनों सोते थे यहाँ पे। पर एक बात है उस टाइम के हिसाब से तो ये किचन अच्छा और बड़ा भी है खुला। सारे रूम्स भी अच्छे हैं अभी जैसे बट्टे नहीं बटर बट्टे बोलते थे। हाँ। ये आपको बता दूं ये क्या है ये फ्रिज है। हेलो गाइस तो गाइस हम लोग जा रहे हैं गाँव ऑन द वे क्योंकि आप लोगों को पता है हमने नई गाड़ी ली हुई है सो सबको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि जल्दी जल्दी से आओ। इनके भाई का बेटा है फैमिली है पापा मम्मा सब बार बार फोन कर रहे हैं कि हमें भी गाड़ी दिखाओ हमने कौन सी गाड़ी ली है। हमने उनको वीडियो कॉल पे तो दिखाई थी लेकिन गए नहीं क्योंकि आराध्या की छुट्टी नहीं थी। तो आराध्या की छुट्टी करके आज हम लोग निकले हैं। अब हम लोग पहले जा रहे हैं मार्केट मिठाई लेंगे उसके बाद जाएंगे घर पे क्योंकि वो लोग भी इतने ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हो रखे हैं क्योंकि ये हमारी फर्स्ट गाड़ी है जो इन्होंने अपनी अर्निंग से मतलब पहले भी ली थी लेकिन बड़ी 7 सीटर अपनी अर्निंग से खुद ली है तो उनको और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मतलब इन्होंने इतना अचीव कर लिया है। तो देखते हैं उनके क्या रिएक्शन होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। माँ बाप को तो खुशी होती है गाइस क्योंकि जब बच्चा कुछ अपने दम पे लेता है। मैं पापा से बात की थी पापा बहुत खुश थे मम्मी सभी खुश थे और अचीव तो अभी कुछ भी नहीं किया जैसे मानसी बोल रही है कि इन्होंने इतना अचीव कर लिया लेकिन मेरे लिए तो अभी ये छोटा सा पॉइंट है। लेकिन हाँ करना बहुत कुछ है आगे भी करना है बस आप लोग ऐसे साथ देते रहें क्योंकि मुझे भी बहुत खुशी हुई जब माँ बाप प्राउड करते हैं है ना। और आप भी बहुत से लोगों को यही बोलूंगा जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अभी कुछ लोगों के कमेंट आया यार गाड़ी अभी इतनी बड़ी गाड़ी थोड़ी ले ली है अभी तो ये कर ले हमारे लिए हम ना अपनी छोटी छोटी खुशी से ही खुश है। हम इतनी सी भी अचीवमेंट करते हैं ना जब हम उससे भी खुश हो जाते हैं हम अपने दिल को बस खुशी देना चाहते हैं हमको खुद को हम अपनी फैमिली को मैं अपनी दोनों वाइफ को इनको खुशी देना चाहता हूँ। बस इनके चेहरे पर जब मुस्कान आ जाती है ना वो ओडी फरारी करारी जितनी भी कार है सबको पीछे छोड़ देती है फिर वो खुशी सब चीज वो मतलब फिर गाड़ियां वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। सो हम छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ रास्ते में रुके हुए थे क्योंकि आराध्या के पापा गए थे डॉग फूड लेने। हमारे घर के पास ही एक डॉग है वो बीमार ही रहता है आप लोगों ने पहले भी पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा जो हमें कंटिन्यू कर देखते हैं कि एक डॉग है वो बीमार रहता है सो उसका जितना भी ट्रीटमेंट वगैरह फूड वगैरह जब भी ये जाते हैं यहाँ से लेके जाते हैं ऑलवेज। अभी आ गए हैं लेके और तो ये उसके लिए लेके आए। गाइस यहाँ पे नहर है एक आपको दिखा तो वैसे इधर थी पहले जहाँ हम नहाया करते थे इसमें बहुत अब तो गद्दी होगी अब तो लोग मतलब गांव के लड़के भी कम हो गए नहाना नूना वो चीज़ें अब कहाँ रही है। तो इस नहर में ना हम बहुत नहाए हैं और ये गांव की जिम है और ये मेरा स्कूल है जैसा वो तो बताना भूल गया। जब मूवी देखोगे मूवी में जिस स्कूल में मैं इस स्कूल में पढ़ता था उस वक्त तो आपका देख रहे हैं ये देखो ये लिखा बोर्ड गवर्नमेंट स्कूल नहीं ये अब स्मार्ट स्कूल बन गया गवर्नमेंट भी हमारे तो गेट भी नहीं था उस वक्त स्मार्ट तो छोड़ो गेट भी टूटा पड़ा था। चलो बढ़ तू पहला तू ले ले आई तू दे तुम ले आओ मुझे भी लेना आई ये तू ले आई नहीं मैं खा लूंगी बाहर ना खड़ी तो वो खा ला मिठाई क्या मिठाई आ जा उठ जा ये अपने चाचू के साथ खेल रही है और भी क्या हाल है हाथ दम रहा यार। ये वो डॉग है जिसके लिए हम लेकर आए हैं आपको बताया था सामान यार इसकी कंडीशन कभी ठीक हो जाता है कभी कुछ अब यही रहने लग गया बेचारा हमसे जितना हुआ जा रहा है हम कर रहे हैं नीति का है। ये देखो गांव में एक ये चीज़ बड़ी ज़्यादा होती है बच्चे देखो कैसे इकट्ठे होके खेल रहे हैं तो हमारे वहाँ कोई बच्चे 2-3 बच्चे होंगे जो अपनी उन्होंने ग्रुप बनाया होता है ऐसे कोई नहीं दिखता कि पूरे गाँव के बच्चे एक जगह पर इकट्ठे हों। ये देखो सारे एक जगह इकट्ठे हमारे वाली कहाँ घर पे और हर बार की तरह इस बार फिर हम कपड़े ले आए हैं धोने के लिए लेकिन इस बार कंबल लेके आए हैं और रूप यहाँ पूरे देसी स्टाइल में लगी हुई है कंबल धोने हैं लेग्स ऊपर करके लोअर की कैसे लगी हुई है पर मेरे को डर लग रहा है इस बेचारे का क्या होगा जिसके ऊपर ये चढ़ रही है बार बार
अभी ना इसके पापा नहीं आया, राधा के पापा, वो पता मेरे को क्या बोलते थे, दो बोला है इसके पापा का एक ही डायलॉग है, जब भी कुछ भी रूप से गलती हो जाती रही, कहते हैं कहते तू ना बस तेरा एक ही काम है, तू कपड़े लेके कभी इधर घूमती है कभी उधर घूमती है, जिस दिन तू कपड़े छोड़ दूंगी ना तू सुधर जाऊंगी। ये देखो ये हमारा भतीजा है और ये चाची को कपड़े धोते हुए देख रहा है, इसको शर्म बिल्कुल भी नहीं है कि मैं थोड़ी हेल्प कर दूं अपनी चाचियों की। हेल्प नहीं करेगा, क्या करे कर दे, अभी देखे कर दे, देख लो गाइस कितना बेशर्म है, ये कहता है हेल्प नहीं करते, क्या कर दे, देखा कर दे खड़े होके। हाँ हमने घूम गया देख लो, ये छोटा टूर लिया, बड़ा 2 किलोमीटर का लेके आए गाइस। बड़ी गाड़ी लेने का ना एक सबसे बड़ा रीजन पता क्या था, कि हम जब भी टूर पे जाते थे ना, कभी हमारा ये वाला बच्चा जाता था, कभी हमारी नंदे जाती थी हमारे साथ, मतलब हमें किसी एक को लेके जाना पड़ता था, क्योंकि हम लोग पहले ही 4 हैं और पीछे से सामान ये वो हो जाता था। अब इनके लिए भी हमने बड़ी गाड़ी ली है, क्योंकि हम कभी भी अब नेक्स्ट टूर जब भी लगाएंगे, बहुत जल्दी लगाने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे जाएं, क्योंकि फिर ऐसे फील होता रहता था, एक को ले जाते थे एक बेचारा घर पे रहता था, फिर वो जब स्टोरीज वगैरह ब्लॉग देखते थे ना, फिर वो हमें बोलते थे तुम लोग उसको लेके ना, मुझे नहीं ना लेके गए, कोई बात नहीं, अब हमने सब का ये वाली चीज़ ख़त्म कर देनी है, अब जहाँ भी जाएंगे सबको साथ लेके जाया करेंगे। तो गाइस हम लोग तो बेचारे कपड़े लेके आए थे कि कपड़े धोएंगे, और यहाँ तो लाइट ही चली गई और अब ये मुंह चढ़ा के बैठ गई है। वो छोड़ मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि एक इन्वर्टर है और कमरे बहुत ज्यादा सोने वाले, तो रात को हमारा क्या हाल होगा, क्योंकि गर्मी बहुत है। और कल रात हमारे घर भी चली गई थी लाइट वहाँ पे, पर वहाँ 1.5 घंटे के बाद आ गई थी। अभी यहाँ हमारा तो ये है ना कि हमारे वहाँ ना मच्छर नहीं है अंदर कमरों में, यहाँ तो मच्छर बहुत ज्यादा है, क्योंकि सराउंडिंग वैसी है ना, हाँ, गांव है, नीचे वो लगाए हुए हैं, क्या बोलते हैं वही है ना, कुप्प वगैरह लगाए हुए हैं, कुप्प होते हैं इनको, जो उन्होंने होंगे ना उन्होंने कुप्प जेडे गोबर का होंगे बड़े बड़े लाए होंगे उन्होंने कहते हैं ढेर। अच्छा मैं प्योर पंजाबी सुना दी, बाकी है पाथियां, तो इनकी वजह से ज्यादा मच्छर है, बहुत मच्छर है, तो अभी यही तो दिक्कत है। मैं तो अभी मैंने बोला जितना टाइम इन्वर्टर चल रहा है ना, मैं अंदर मच्छर वाली लगा के आई हूँ, मैंने कहा चलो कमरे में थोड़ी मच्छर वगैरह तो मर जाए, बाद में दरवाजे बंद करके सो जाएंगे। मैंने डोर वैसे बंद कर दिया था, हाँ, और यहाँ मम्मा ने कितना कुछ लगाया हुआ है। हमारा पहले प्लान था हम चटनी बना के खाएंगे, पर अब सुबह पक्का बनाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। एक्चुअली पता क्या होता है, मम्मा ने ना मुझे पहले ही बोल दिया था कि शाम को जब हम आए थे ना, मम्मा बोलते अभी तोड़ ले अगर तोड़ने हैं, फिर हम उधर चले गए अंकल के घर तो तोड़े नहीं गए, ये तो बताया नहीं तोड़ना क्या था, पुदीना तोड़ना था ना, हाँ। तो रात को तोड़ते नहीं होते, जब दिन छिप जाता है ना तो नहीं तोड़ने देते, तो पहले मुझे नीचे से इंस्ट्रक्शन मिल गया कि तोड़ना मत, ऊपर जाके उनको पता है पुट्ठे काम कर लेगी, हाँ पेड़ों को नहीं हिलाते, सारे बोलते हैं सोए हुए हैं बेचारे, सोचा नींद कर लो हवा आने वाली है उठा देगी आप लोगों को, और हम लोग जो बताओ ना तेरे को ये देख ले चाटा, क्या बोल रही है राधे उपिंदर मम्मा को, क्या बोल रही है तो ये ना, ये अपनी बड़े मम्मी को अपने कुछ कुछ बोल रही थी और मैंने वीडियो ऑन कर दी, कहती मैं वीडियो में कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियो मेरी मैम को भेज दोगे, नहीं भेजेंगे मैम को, प्रॉमिस पिंकी प्रॉमिस, इन्हें ना मेरे बाल पट्टे, मैं वीडियो में बोल रही ना मेरे बाल पट्टे, इन्हें अकल नहीं हैगा, कुड़ी बिल्कुल अकल नहीं है, रोड लग पट्टे राधे दे, राधे रोड लग जा, हां पट्टे बता दे नहीं राधे तुझे ये कोई प्यार नहीं करता ना, सारे तेरी चुगलियां लगाते है ना। तो गाइस ये देखो इसने अपने भाई को लगाया हुआ काम पे, कहती मेरे को झूले दे, और वो इसको दे, ये देखो ये है इसको डर किसी चीज का, कितनी दूर तक आ रही है, और वो पीछे हमारी गोल्डन प्ले बटन के साथ फोटो ऐसी वाली हमारी एक घर पे भी है और एक हमारी यहाँ भी है, ये वाली बड़ी है घर वाली छोटी है थोड़ी, तो गाइस ये देखो वहां तो इनका काम ये था ही, यहाँ आके भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और देख चढ़े कहाँ पे, पहले नीचे टेबल, टेबल के ऊपर चेयर, और ये देखो डर नहीं लग रहा आपको तो, इतनी सारी उम्र ही काम करता रहा।
क्या बोल रही है? काला डर लग रहा है, सारी उम्र यही काम करता रहा उम्र। और वैसे ये जो आपको पीछे कपड़े दिख रहे हैं ना, बाहर बारिश आ गई थी, मौसम खराब हो गया था, इस करके कपड़े हमने सारे अंदर सुखा दिए। और ये जहाँ लगी है मजे से झूले लेने। बोल बोल, तू भी बोल, तू क्यों पीछे रह गई, बोल। और पता है गांव में हम झूल भी थी बाबू, तो वो बैठ कर नीचे चुप के देख रही थी मुझे। फिर नीचे से बड़ी मम्मी आवाज लगा रही है, मम्मी और मेरी लड़ाई होगी। वो बड़ी मम्मा बुला रहे हैं, जाना तेरे नीचे सोने। अच्छा ठीक है, चल। किसके साथ लड़ाई हुई थी? मम्मी मम्मी के साथ। क्यों? क्योंकि मम्मी के बाल नीचे थे मैंने। सॉरी बोलना था फिर? सॉरी बोलना चाहिए ना, ये तो गलत बात है ना, बड़ों के बाल नहीं खींचते ना। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज सुबह हो चुकी है, कल रात से ही हम लोग विलेज में थे, तो अब सुबह सुबह उठी हूँ मैं। उठ के मैं लगी हूँ पानी पीने, मेरा क्योंकि रूटीन होता है कि मैं सुबह सुबह उठ के ना हमेशा पानी पीती हूँ, पर आज ना सामने बाहर धूप में अच्छी अच्छी धूप निकली हुई है, उसमें खड़के ना पानी पीने का ना नज़ारा ही कुछ और लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं लगी थी पानी पीने, मैंने कहा बाहर जाके पानी पीती हूँ आज, और इसके बाद मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। पर मैं एक्सरसाइज नहीं छोड़ती हूँ, एक्सरसाइज करूँगी। एक्सरसाइज करने के बाद हम हमारा रूटीन चालू करते हैं, हम आपको पूरा सब कुछ दिखाएंगे कि विलेज में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो गाइस नहा धो के आप हम लोग ऊपर सफाई करने लगते हैं, रोट लगा रही है झाड़ू, उसके बाद पोछा लगाएंगे। लाइट चली गई, लाइट का ना बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है हर जगह। ये पता क्या होता है, जब कनक वगैरह काटते हैं ना यहाँ विलेज में, लाइट चली ही जाती है। ये तो हमारा ही वहाँ है कि हमारे वहाँ क्योंकि शहर है इसलिए लाइट नहीं जाती ज़्यादा टाइम पर, थोड़ा टाइम के लिए वहाँ भी जाती है, पर यहाँ तो बोलते हैं अभी गई है, अब शाम को 6 बजे आएगी। ये तो ये बोल रहे, अब देखते हैं आज क्या होता है। अगर ज़्यादा लेट हुए ना लाइट, हम भाग जाएंगे अपनी गाड़ी उठा के। आज तो ये भी नहा ली जल्दी से। ये देखो पापा पे आवाज आ गई सुबह सुबह की, पापा कार का रिमोट दे दो इसको, कार का। कहाँ जा रही है सुबह सुबह नहा के? ब्यास जा रही है। किसके साथ? बाबा के साथ। तो गाइस गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, जो पेड़ पौधे छोटे छोटे प्लांट्स लोगों ने घर पे लगाए होते हैं उनको अब पानी देने का टाइम आ गया कि मैं डेली पानी सुबह दिया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। अब रुक दे रही है इन छोटे छोटे प्लांट्स में जो लगाए हुए हैं पानी। यहाँ पे पुदीना है, एक एलोवेरा जल है, फ्लावर्स है, ये बताने क्या है, ये है पालक। अच्छा पालक, पालक पक जाती है ना, फिर उसका बीज है। बीज तैयार हो रहा है, ये पालक का बीज तैयार हो रहा है। वो उधर मनी प्लांट है, और ये वाला, ये नहीं, ये ऐसे ही उगा हुआ कोई चीज, पर ये हरियाली के लिए इन्होंने लगा रखा है, मुझे पालक ही लग रही है। मैं भी ये गुलाब है, गुलाब की तो ये स्टेम वो उस सीजन में वो जाता नहीं, देख नीचे से फूट रहा है दोबारा, हाँ तो वो गुलाब है। ये जो एलोवेरा है ना, ये मैंने एक लगाया था सिर्फ यहाँ पे, और एक से ना ये कितने ज्यादा हो गए हैं। अभी भी ये देखो नीचे छोटे 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 हो ही जा रहे हैं, एक ने पूरा कर दिया, एक एक दो तीन चार, एक पौधे ने 4 गमले भर दिए हैं। छोटे छोटे तोड़ के ना फिर आगे आगे वो करते रहते हैं। और गाइस ये रहा पुराना घर, पुराने घर में मैं आज तक कभी अंदर नहीं गई, बाहर से तो मैंने बहुत बार देखा है। और ये अमरूद का पेड़ है, और ये सदाबहार वाला अमरूद है ना, इस पे वो आते रहते हैं, फ्लावर आते रहते हैं और अमरूद लगते रहते हैं। ये पापा की गाड़ी है, पापा हमारे वाली मतलब न्यू वाली कार लेके गए हैं। वो सारे गए हैं सत्संग घर, और आराध्या को भी ले गए हैं, क्योंकि आराध्या को हमेशा लगता है जब भी वो आती है वो बोलती है मुझे नहीं जाना है, तो पापा अब आराध्या को भी ले गए साथ। मम्मा पहले चले गए थे, बाकी वाले अब गए, हमें भी बोल रहे थे, लेकिन हम लोग तब तक ना तैयार नहीं हुए थे, ना नहाए थे ना कुछ, तो अब अगली बार जब आएंगे तो हम भी जाएंगे साथ। तो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, और हम लोगों के लिए तो चलो अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को तो पता है हमें कैसे बचना है गर्मी से, क्या करना है क्या नहीं। लेकिन जो बर्ड्स बाहर आते हैं, पक्षी आते हैं, कई बार जानवर भी हम लोग देखते हैं, काऊ वगैरह जो लावारिस ऐसे घूमते रहते हैं इधर उधर, तो उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। हमें इतनी गर्मी में हम लोगों को अपने घरों पे पानी रखो, दाना डाल के रखो, ताकि जब भी पक्षी वगैरह उड़ के आए वो बेचारे खा तो सकें एटलीस्ट। तो अगर एक एक बंदा भी ऐसा करेगा तो कितनी हेल्प हो जाएगी उनकी। तो गाइज ये देखो गाँव आने का सबसे ज़्यादा मज़ा जो आज लिया है ना,
वो इन्होंने लिया है। 9:30 हो गए और ये अब तक सोए हुए हैं। बीच में नींद वैसे बहुत बार टूटी है, 4-5 बार सोया। पता कितने बजे हमें क्या हम सोचते होते कितने बजे सोए हो। 2-3 बजे रील भी बनाई थी। रील भी बनाई 2-3 बजे वाली। अच्छा एडिट। तो गाइस ये वाली रील आएगी हमारे इंस्टा अकाउंट पे और ये जो सॉन्ग आ रहा है ये बहुत जल्दी आएगा हमारा। गाइज अब मैं इंट्रोडक्शन करवाने जा रही हूँ हमारी फैमिली का। ये है मेरी भाभी जिन्हें मैंने अपने मतलब मेरे धर्मी भाभी बने हुए हैं और भाई है, ठीक है, मतलब मैंने इनको बनाया हुआ है अपने भाई और भाभी। और ये हमारी, इसको तो आप जानते ही हो, हर ब्लॉग में आ जाती है हमारी भाभी। और आज ना आज बाई चांस नीलम भाभी ने, रीना भाभी ने और मैंने भी तूने, हम सब ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए अभी बैठे बैठे और आराध्या भी ब्लैक, सारे टोटली ब्लैक होके बैठे हुए हैं। तो ये भाभी, अब मैं भाभी से पूछती हूँ। तो गाइस ये मैं अब इनके साथ आ गई, देखो बताने दिखाने के लिए कि मैंने सच में ब्लैक ही कपड़े पहने हुए हैं। हाँ सारे ब्लैक। तो गाइस गांव के ना हमारी ये चलता रहता आपस में, ये हमारी जेठानी तो है पर ये बहनों की तरह ही है। जैसे दो तीन बहनें आपस में लड़ती है ना, हम तीनों ऐसे ही लड़ते हैं। हमने पिछले गांव के ब्लॉग में भी देखा होगा, वहां भी भाभी ने ना रूप को, भाभी ने रूप को ना ऐसे थोड़ा सा थप्पड़ मारा है। तो गाइस ये अपना पुराना घर है हमारा, तो उसका ही गेट है। अभी आपको मैं अपने जो पुराने घर है वो उसकी आज के कंडीशन और कैसा दिखता था वो दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं एक मिनट रहते यहाँ पे, जब मतलब मैं छोटा जा था 4-5 साल का तब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। उससे पहले एक जो अंकल का घर आप देखते हो, उनमें जहाँ जाते हैं पहले वहाँ पैदा में उस घर में हुआ, फिर यहाँ इस घर में आ गया था 5-6 साल का था। तो ये हमारा पहले ये जो घर इधर आप देख रहे हो दीवार, यहाँ ये कोठी बनी है, ये खाली था सारा, यहाँ पे कुछ नहीं था टोटली, तकरीबन ये सारा खाली था, मतलब खाली ग्राउंड बोलते हो, बेड़ा बोलते हैं हमारे। तो वो आपके अंडर ही था यार? अंडर था, दीवार हो रखी थी सारी। अच्छा, पूरी दीवार हो रखी, ये खाली पहले गांव में होते थे ना, खुले घर होते थे, सच में होते थे, इतना घर आगे जितनी भी स्पेस थी, जैसे 10 गाड़ियां खड़ी कर लो या यहाँ पे कुछ भी कर लो, अगर कोई शादी भी होती थी ऐसे इसी का मतलब हमारे बेड़े में ही हो जाते था सब कुछ, प्रोग्राम बहुत बड़ा होता था। तो अब ये घर बन गया, उस टाइम पे वहाँ पे अमरूद भी लगा हुआ था। हाँ वो तो चलो अलग बात है। अब ये छोटी सी जगह बची है जहाँ पे भी पापा की गाड़ी खड़ी होती है और कोठी के अंदर और मेरे लिए खाली कर देते हैं, वहाँ मैं अपनी गाड़ी खड़ी करता हूँ। ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी से हम छत पे जाया करते थे पहले, ठीक है। अब क्या हो गया कि जो सीढ़ी इससे भी जो पहले सीढ़ी थी वो लकड़ी की थी, लकड़ी की सीढ़ी जैसे लगा लेते थे उससे ऊपर चढ़ा करते थे। इसके यहाँ तो जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी पहले नहीं थी, इसके पीछे था ये जो मतलब खाली है ना टूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके पीछे सारा मतलब होता ना भैंसों का घर था, तबेला बोलते हैं जिसे, वो था यहाँ से लेके पीछे था, ये एरिया खाली था पहले, वो भी खाली था, फिर वहाँ हमारे भैंसों का तबेला बना था, वो भी मेरी आंखों के सामने भैंसें बेच दी, तबेला तोड़ दिया, फिर कोठी बन गई। अब यहाँ पे कुछ हालात ऐसे आप पास से भी देख सकते हो। तो अब ये देखो, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, सफाई सफुई भी अभी नहीं की है, करेंगे। हाँ ये उपले पड़े हैं आप देख सकते हो, ये पथिया बोलते हैं इसे पंजाब में, और इससे कभी मतलब पता ही है चूल्हे में लगती है। हाँ, ठीक हाँ। है अंदर की तरफ चलते हैं। हाँ। ठीक है तो गाइस ये मेरे भाई की साइकिल है। हाँ ये इसकी साइकिल है। तो गाइस ये आप छत देख सकते हो, पहले ऐसे टाइलों वाली छत होती थी, इसके ऊपर मिट्टी लकड़ी के से बाले बोलते हैं, और ये गाटर वगैरह बड़े वो यार लकड़ी की है जो उसे बाले बोलते हैं। हाँ टाइलें, तो टाइलें तो वो नहीं, और उसके बाद अभी तो ये यहाँ तक तो आप देखो ये कुछ गिर चुका है पहले, ये बहुत अब तो कमजोर ही हो चुकी है इसकी छत। अब अंदर से दिखाते हैं अंदर छत। तो गाइस ये जो रूम है ये मेरा रूम था पहले, उसके बाद ये हम पापा सरपंच बने थे, ये ऑफिस बन गया था। तो ये पिक्स आप देख सकते हो, ये तभी की पिक्स, ये देखो लगी हुई है, खराब हो गई है अब ये पुराने घर में, ये लीडर वगैरह जो भी आते थे यहाँ पे। और ये बाहर है, उससे पहले स्टार्टिंग में ये जो रोड के साथ ये शॉप हुआ करती थी, शॉप के बाद फिर शॉप बंद कर दी, जो STD बोलते हैं ना जैसे फोनिंग कॉल वगैरह करते थे, तो हाँ वो था ये, तो यहाँ STD PCO होता था। पता क्या होता
तक जब मेरे पापा बाहर गए हुए थे ना, तो मेरी मम्मी यहीं पे फोन करने आती थी। इसके पापा यानी कि फॉरेन में गए हुए थे काम करने के लिए, तो तब फोन नहीं होते थे, कुछ नहीं होते, ऐसे एसटीडी पे ही जाके फोन वगैरह किया करते थे। हमारी एसटीडी होती थी और रूप की मम्मा जब आती थी, मैं यहाँ पे काउंटर पे बैठा होता, तब कभी मुझे पता ही नहीं था रूप का, क्योंकि रूप गाँव में रहती नहीं थी अपने, मतलब मेरे गाँव में नहीं रहती थी। तो रूप रहती थी और गाँव में अपने नानी नाना के घर रहती थी। तो मैं उसकी मम्मी अक्सर फोन करने आया करती थी यहाँ पे, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि मैं कभी इसकी बेटी से शादी भी करूंगा या ऐसा कुछ भी और नहीं था। हाँ बेटा बोल, क्या बोल रही है? तो वो दिखाते हैं बेटा, एक मिनट आप आराध्या आपको दूसरी दुकान दिखाना चाहती है। तो ये पहले बना था हमारी एसटीडी, एसटीडी के बाद बना ये हमारा मेरा रूम, मेरे रूम के बाद बना ये सरपंची का ऑफिस। ये रूम से मतलब दो तीन चीजें हुई है। अब आगे चलते हैं, अब दूसरे रूम में इसी दुकान से आगे। हाँ चल आगे, चल चल दिखा। ये थी इनकी किराने की दुकान। तो गाइस ये दुकान थी, यहाँ पे किराने की दुकान थी, मतलब खाने पीने का, राशन, ये वो, ये सब सामान यहाँ पे मिलता था। और अब तो एक वक्त तो बुरा हाल हो रहा है। और आप इधर पीछे देखो, ये एसटीडी के साथ दरवाजा था, तो ये यहाँ पे, ये कहाँ पे नहीं ऐसे पड़ा थे। और एक और बात भी बता दूं कि यहाँ पे मैंने मोबाइलों का काम भी किया, मैं भूल गया, यहाँ उसके बाद मोबाइलों का काम मैं करता था यहाँ पे। तो ये मोबाइलों वाली दुकान भी मैंने चला रखी है, तो यहाँ मैं मोबाइलों का काम करता था। अब आगे चलते हैं, इसको दी थी यार, सुन लो, इसके कंप्यूटर की दुकान खोल के दी, 10 दिन चली, फुल ऑफ हो गई। इसके सर पे कोई ये वाली दुकान दादा ने शुरू की थी ना। और ये आगे हम चलते हैं, तो ये जो रूम है ये मम्मी पापा का रूम था। बारिश हो गया, बड़ी पुरानी है, भाभी के ना दहेज में आई थी, दहेज में नहीं आई थी। हाँ कांता ने बनाई थी। अच्छा, ये देखो हैंडमेड, इसका पेंट मेरी बहन है, उसने बनाई थी ये। हाँ, पर देखो ना, ये तो अब हम दूसरे के रूम में चलते हैं। और ये जो रूम है ना, ये दुकान के साथ अटैच था। यहाँ पे पहले ऐसे ही होता था, यहाँ पे चेयर लगा के बैठ जाते थे हम, और इधर से दुकान भी देखनी, और सामने जो वो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे टीवी पड़ा होता था नीचे, तो यहाँ बैठ कर हम टीवी को भी देखते थे, इधर दुकान को भी देखते थे। तो वह उस रूम के बाद जो ये वाला रूम है, ये रूम भी में क्या होता था स्टार्टिंग में, यहाँ पे मेरी बहन और मेरे दो भाई हैं, हम तीनों सोते थे यहाँ पे। तो अब इसकी हालत देखो क्या हो गया। और हमारे बाद जब मैंने मेरे भाई की शादी, बहन की शादी होगी, फिर भाई का रूम ये बन गया था, इसके पापा का, क्रिश के जो ये खड़ा है। तो ये रूम था इसके मम्मी पापा का, भाभी का। तो ये हमारा किचन था गाइस। इस रूम के बाद तो गाइस अब बारी आती है किचन की। ये देखो उस टाइम पे हमारा ये किचन हुआ करता था, यहाँ पे गैस वगैरह पड़ा होता था, ऊपर यहाँ बर्तन सजाए होते थे। तो पर एक बात है, उस टाइम के हिसाब से तो ये किचन अच्छा और बड़ा भी है, खुला, सारे रूम्स भी अच्छे हैं। अभी पीछे और भी था, वो तोड़ तोड़ दिए वो घर अपना, मतलब रूम भी थे और जो ये सारा तो छोटा सा लगता है ना, बहुत बड़ा एरिया होता था खुला। तो बहुत बड़ा एरिया होता है, ये वही शॉप की टेबल वगैरह जो शॉप दिखाई बार, उसके टेबल हैं। तो गाइस ये हमारे घर जैसा डब्बा गाइस देखो, और ये वो तो शॉप में जो होता है ना वेट वगैरह करने के लिए, ये अभी भी पड़े हैं, जैसे बच्चे नहीं बटर बट्टे बोलते थे हमेशा। तो ये 1 kg का, जैसे ये आप देखो तो ये कितने के जी का है, ये 200 ग्राम है। ये स्टैंड वो है, डीजे का काम करता था ना मैं, मेरे डीजे काम करता है, ये वो सामान है। तो काम मैंने भी बहुत किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने हर तरह का काम कर रखा है। ये जो पहले मटके ना ऐसे आते थे, ये देख पानी आते हैं, अब भी आते हैं, लेकिन पहले ये आपको बता दूं ये क्या है, ये फ्रिज है उस टाइम का हमारा, ठीक है, ये फ्रिज है। इसमें पानी डालकर और जो बोरी होती है ना उसको गीला करके इसके आसपास लपेट दिया जाता था, और लपेटने के बाद क्या है कि पानी में थोड़ी बर्फ डाल दी जाती थी, एक बार बर्फ, मैं कहता इतना फ्रिज नहीं ठंडा करता होगा जितना ये करता था। और उस टाइम लोग बोलते थे कि ये वाला पानी पीने से किसी को एसिडिटी वगैरह के जो भी प्रॉब्लम हो वो भी ठीक होता है। मटके के पानी से होता है क्योंकि ये मिट्टी से ही बना हुआ है, मिट्टी के बर्तन में ऐसे ही होता है। अब रोस्टर तो रोस्ट कर देते हैं, तो उसमें चाय पीता, इसमें ये पीता, बहुत कुछ है। अब कप वगैरह आए, ये अब आए हैं, जब कप नहीं थे पहले स्टील के गिलास, मिट्टी के आए हैं, फिर स्टील के आए हैं, लोग पीते थे, ऐसी कोई बात क्या। आप लेने गई है वो है, मुझे नहीं पता। तो ये देखो, ये ऐसे ही काम पहले भी करती थी, ऐसे इधर उधर चढ़ जाती थी, ये नहीं देखती थी यहाँ टूटा हुआ है कुछ या नहीं।
इसे बोलते हैं अनमोलिया। खाते थोड़ी ऐसे, इसे पता नहीं क्या करते, मुझे काम तो अब तक भी नहीं पता। हम एक दूसरे को मारने के काम करते थे इसे। हाँ रबड़ गुलेल में, रबड़ में नहीं गुलेल में, गुलेल में डालकर ये मारने का काम करते थे हम। लाओ फिर रख लें, घर पे ले चलते हैं एक दूसरे को जब बुलाना होगा। ऊपर से छत दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये गैस छत है वो, वहाँ देखो छेद भी हो रखे हैं। ये हमारा ओल्ड पिकअप होम टूर था गैस, आपने देख लिया। यहाँ पे पापा की गाड़ी खड़ी होती है और ये इधर से एक डोर रखा हुआ है कोठी में घुसने के लिए। और वो मेरा भाई दरवाजा चेक कर रहा है। बहुत तगड़ा जोक था तेरा। जोक ऐसा जो खुद बोल रहा था। मैं सोच रही थी कि अभी तक गालियां क्यों नहीं पड़नी शुरू हुई। ये हमारा ओल्ड होम जो पुराना घर था उसका होम टूर था। और भी मैं कुछ देखता हूँ, अगर दिखाई देता आपको पुराना वो नहीं करता। तो गाइस जो हमारी रियल लाइफ स्टोरी है हम तीनों की, मेरी दो शादियाँ कैसे, उसके उस पर हमने मूवी बनाई थी जिसका फर्स्ट सॉन्ग आ रहा है 1 मई को। सो पोस्टर आप स्क्रीन पे देख रहे हो। कमेंट करके बताना आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और कौन कौन मूवी का वेट कर रहा है। थैंक यू, बाय बाय गाइस।